हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल डालने वाली हूँ। ऑयल के गरम होते ही मैंने इसमें 2 बड़े प्याज के चंक्स कट कर रखे हैं, वह डालूंगी और हम प्याज को 1 मिनट तक तेज गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज का जो कच्चेपन का स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने 2 छोटी शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट कर रखा है, इन्हें भी हम हाई हीट पर फ्राई कर लेंगे, जिससे एक अच्छा सा फ्राई सब्जी का फ्लेवर हमें इसमें मिल सके। इस तरह से फ्राई करने से सब्जियों में डीप फ्राई जैसा कुछ टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, सब्जी क्योंकि कुछ हद तक फ्राई हो चुकी हैं। अब हम फिर से 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज और शिमला मिर्च को थोड़े सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। देखिए, इस पर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं। हमारी प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। अब मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसके बीज निकाल दिए हैं, और अब मैं इसको हाई हीट पर 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से चलाते हुए हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमें लगने लगे कि इनका छिलका हटने लगा है। छिलका पूरी तरह से ना हटे तब तक ही हमें इसको फ्राई करना है, और हमें इसको हल्के हाथों से ही चलाना होगा। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम 2 चम्मच ऑयल फिर से डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा के फ्राई होने बाद फ्रेंड्स, मैंने ये कम तीखी वाली 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है, जिनको मैंने लंबा लंबा पतला कट कर रखा है। आपके पास यदि यह नहीं है तो आप सिंपल वाली मिर्च 1 से 2 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। हरी मिर्च थोड़ी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने 1 बड़ा प्याज बारीक कट करके डाल रखा है और हम प्याज को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। टिप ऑफ द डे, जब भी आप दाल बनाएं तो दाल को उबालते समय उसमें 1 चुटकी हींग डाल दें, जिससे आपकी दाल पचने में भी हल्की हो जाएगी और उसका टेस्ट और खुशबू भी बढ़ जाएगा। बेसन और प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर हम डाल के इसे भून लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना होगा, वरना बेसन तली में लग सकता है, इसलिए आप इसे लगातार ज़रूर चलाएं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चुटकी हींग डालूंगी और हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 टमाटर बारीक कट करके और जो पहले हमारे टमाटर का बीच वाला पोर्शन था वह भी इसमें बारीक कट करके ऐड कर दिया है। लेकिन ध्यान रखें, टमाटर को आप बारीक ही कट करें, जिससे कि प्याज, टमाटर, बेसन ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सकें। 1 टेबल स्पून मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है। इस समय अदरक डालने से कम अदरक में ही सब्जी में अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इस टाइम पर इसे डाल रही हूँ। अब मैं 1/2 कटोरी घी दही डाल रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फेंट कर फ्रेंड सब्जी में दही डालने से दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और दही डालते समय ध्यान रखें कि आपको गैस को एकदम धीमा कर लेना है और मसालों को लगातार चलाते रहना है। अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ। मसाले अच्छे से पक चुके हैं और उन्होंने तली छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें उबला हुआ पानी ऐड करूँगी। फ्रेंड, जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं और आप चाहती हैं तो आपकी सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आए, तो इसी तरह से उबाल कर पानी डालें। इससे सब्जी का एक तो टेम्परेचर बना रहता है, तुरंत सब्जी में बॉयल आ जाता है, वरना बेसन पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और उसे पूरी तरह से वह पकने नहीं देगा। इसलिए हो सके तो आप बॉयल करके ही इसमें पानी मिलाएं। अब मैंने ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल दिया है, क्योंकि हमने सब्जियों में पहले भी नमक डाला था। अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे कि पानी
ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और पक सके। देखिए फ्रेंड, सब्जी ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं आज इस सब्जी को थोड़ा थिकी रखने वाली हूँ। यदि आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच गरम मसाला डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फ्राई की हुई सब्जियाँ। फ्रेंड, इसमें मैंने 3 सब्जियाँ ली हैं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। आप चाहें तो इनको कितनी भी 2 सब्जियों के साथ भी बना सकती हैं, तब भी ये काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। ये सब्जी फ्रेंड एक बार बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी सब्जी। और ये सब्जी बनाना इतना आसान है कि कोई पहली बार भी बनाए तो भी इसको परफेक्ट तरीके से बना सकता है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें। इस सब्जी में आपको ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट फील होगा। हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है एकदम टेस्टी सी सब्जी। ये बहुत 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 टेस्टी सब्जी बनती है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।